this will not reflect on the king. Alhamdulillah, al-Qur'an, salatu wa salatu ala Rasul al-Sahalai. Mahbubi, Rabbul Mashreqain al-Mahrabain, Shaykh al-Hasani wal-Husayn, al-Qasim, Muhammad. तो अगर भावनगर में ये सारी कमेटी इसमें काम कर रहे हैं, ये बहुत
हुसैन को देख के मुस्कुराना भी बहुत अच्छी बात है। मजलिस से हुसैन में कभी एक कदम भी पीछे नहीं हटना यार। मैं आपको एक महुआ का वाकया सुनाऊं, बॉम्बे का एक्चुअली है। बॉम्बे के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, अपना खोजो भाई, मैं नाम तो नहीं बताऊ, दो बड़े फ्लैट थे बॉम्बे में। एंड यू नो बॉम्बे के फ्लैट मतलब 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़ के फ्लैट। बहुत अच्छा बिजनेस था, जबरदस्त। मैं जब रिसीव पढ़ा था 8-10 साल पहले, मतलब वहां तो मैं 20 साल से हूँ।
नाज करे, फख्र करे, शुक्र अदा करो, दो रकअत शुक्र की नमाज पढ़ो कि मौला आपने मुझे चांस दिया। भावनगर में और भी लोग हैं, इतने हजारों में लोग हैं, लेकिन तुमको चुना। हो सकता इस साल 1442 हिजरा के मुहर्रम में तुमने 2 महीने 8 दिन मुख्तलिफ अंदाज से आजादानी हुसैन में सपोर्ट किया, कारखाना बनाया, फर्श किया, जो भी किया तुमने, जो किया हो सकता यही अमल तुम्हारी बख्शिश का सहारा बन गया। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? कुछ शुक्र शुक्र हमेशा आगे बढ़ो, कभी ये नहीं करना कि मैं क्यों अगर और अपने नाम के चक्कर में नहीं करना कि मेरा नाम नाम ना हो तो बेहतर है। नाम की इज्जत देने वाला हुसैन है। तुम ये चाहते हैं कि तुम्हारे घर में सुकून हो, तुम ये चाहते हैं कि तुम्हारे घर में स्ट्रेस
कोई परेशानी होगी। यह बिलीफ की बात है। और चौथे नाम का मशहूर वाक्य है, चौथे नाम कर्बला का, प्लीज वॉट सच, कर्बला के बाद जब अहले हरम वापस आए, देखो चले मदीने के शिया, उन लोगों ने कहा कि चौथे नाम से कहा कि बोला मेरे घर में खुशी है, बेटा बेटी जो भी शादी आप अचीव करें। इमाम ने कहा सरकार का भाई, कर्बला के बाद हम किसी खुशी में नहीं गए, रोने लगे, कहने लगा मौला आप भी मेरे घर कैसे, मेरे घर में बरकत कैसे, क्या आपको यह यकीन है कि इमाम घर पे आए तो बरकत होगी? मेरे बाबा की मजलिस में आएंगे। उस दिन से भी
कैरी करो, इसी अंदाज से करो, कंपटीशन नहीं करना, जितना खलूस होगा हुसैन उतना आगे। नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना, तकल्लुफ जमा लो,
मंच के गिरियागरों के फातिमा ने कुछ नहीं मांगा है तुमसे, यही कहा है बाबा मेरे बच्चे में रोएगा। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा करे बेटी अल्लाह खान पैदा करेगा जो तेरे हुसैन का मातम करेंगे, तो हुसैन की दुखिया की माँ ने हाथों को उठा के दुआ दी की परवरदिगार मेरे हुसैन पे रोने वालों को आबाद रखना। दोस्तों आज हम लोग बचे हुए ना सिर्फ और सिर्फ की सहरा की दुआ है। मैं कैसे बताऊँ आपको कि पूरी दुनिया में जो असादारी होनी कैसे हुसैन के असादार असादार जिंदा है और सिर्फ और सिर्फ मौजूदे के अलावा कुछ नहीं है। मैं तो अपनी आंखों से एक एक जगह देखता हूँ। बस दोस्तों लुटा हुआ काफिला जब मदीना पहुँचा दूर से नाना का मदीना दिखा तो बीबी उम्मे कुलसूम ने मर्सिया पढ़ा नाना के मदीने हमारे आने को कबूल ना कर। अरे जब चले थे तो हमारे सरों पे हमारे वारिसों के साए थे, गोदिया आबाद थी अब सब गुजर चुका। बेरून मदीना काफिला रोका गया, चौथे इमाम ने बशीर से कहा कि मदीने में जाकर इत्तला दे दे के काफिला आया है। बशीर ब्लैक फ्लैग लेके सियाह परचम लेकर मदीने में दाखिल हुआ। उसने ऐलान किया कि मदीने वालों मदीना लुट गया, हुसैन सिवा हो गए, फातिमा का घर उजड़ गया। बशीर कहता है कि वो मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता जब मैं एक मदरसे के सामने से जा रहा था, जवान हाथों में कुरान लेकर बाहर आए और आकर कहा ये बता कि अली अकबर वापस आए। इसने कहा नहीं आए अली अकबर। बशीर कहता है मैं इत्तला देता हुआ काम किया, ये काम बीवी की बारगाह में कबूल।
बीमार कोविड के पेशेंट्स हैं, जो भी पेशेंट्स, उन सब सेहत के साथ जनरल वही जनरल मौला जनाब हमला में लेने की खबरों का साया सीरिया में सैलानियों के डॉक्टर की हिफाजत कर कोई मन मत दे सिवाय मन से हमारे सारे पर हुई के दरकार का बरन पर मेरे इमाम के जरूर में ताजी पर हम सब को इमाम के नासिरों में शुमार एक सूर्य फाका पड़े जितनी तबीयत इनके जो आराकी ने रुकस जो रुकस इनके सारे मरुभूमि की सारे मरुभूमि तबीयत रुकस के सारे मरुभूमि जिन जिन लोगों ने बाबा हुसैन के लिए काम किया उनके सारे मरुभूमि अपने अपने सारे मरुभूमि बाबरगढ़ के सारे मरुभूमि सब के लिए सूर्य फातिहा खास
આપણે એક સુંદરની વાત છે કે આજે આપણી વચ્ચે આજે મેદી ઉપસ્થિત છે એમનું પણ ત્યાં સન્માન કરવું કે જનરલી મજલિસમાં પ્રોગ્રામ નથી થઈ શકતા અને આવા આબિદ ગુજરાતી સાહેબ જેવા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત હોય इस कौम की तरफ से इस नौजवानों की तरफ से इन कमेटियों की तरफ से हम तहे दिल से अभी बिलकमी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इस कोविड-19 की जो वबा है उसके अंदर भी उन्होंने पूरी मुहर्रम के अंदर ऑनलाइन मजलिस और हो सका तब तक उन्हें जाके खुद मोमिनों के बीच में जाके अपने बेहतरीन अंदाज में हम लोग को खिताबत किया और खास तौर के एक यूथ के लिए जो उनका जो मैसेज होता है वो एक बेहतरीन मैसेज है और यूथ को कैसे आगे बढ़ना है और आइंदा सालों में और जो आगे बढ़ने के लिए हमको जो टॉपिक मिलती है उनकी तकरीर से वो काबिल-ए-दाद है और इसी प्रोग्राम में हम बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन उस हजरत माँ फातिमा ज़हरा रिश्ता उनको देंगे इसकी किताबत का लेकिन हम ये कमेटी की ओर से और भावनगर समाज की ओर से इनका एक स्वागत करते हैं और मैं अभी अकबर मेहंदी साहब को विनती करता हूँ कि वो इमाम साहब इन बात के उनको अपनी हौसला अफजाई करें કે જન્નતમાં મારેથી નજીક એ વ્યક્તિ હશે જેને દુનિયામાં મારી પર વધારે સવાલ મોકલી હશે કમિટી વતી એક નાનકડો ઓકો મોમેન્ટો હું જરા માસુભાઈ લાકડી વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવે कमेटी की ओर से एक छोटा सा तोहफा मोमेंटो यहाँ पे अभी देवरानी साहब को कमेटी की ओर से जो आयोजन कमेटी है उसकी ओर से मासूम भाई लाखानी देंगे शिफा लेके जाएंगे बीबी तेरे
लोगों को